योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में शहर के डीएवी पब्लिक स्कूल में योग शिक्षिका मंजू धानुका द्वारा चलाई जा रही योग कक्षा में आज 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर चौपटा तहसील के पूर्व जिला प्रभारी विनोद आर्य व योग प्रचारक हरजी राम ने योग शिक्षिका मंजू धानुका को बेस्ट वुमेन आयुष योगा अवार्ड के लिए चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने सभी योग साधकों को प्राणायाम के बाद दंड बैठक, योगिंग जॉगिंग व सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। योग शिक्षिका मंजू धानुका ने बताया कि पतंजलि योगपीठ व अन्य संस्थाओं के सहयोग से पूरे विश्व भर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश की आजादी में अपनी शहादत देने वाले शहीदों को नमन करना है। पतंजलि परिवार के इस कार्य को पूरे देश भर से प्रोत्साहन मिला और पूरे देश भर से लोगों द्वारा 121 करोड़ से भी अधिक सूर्य नमस्कार किए गए। पतंजलि परिवार एलनाबाद के योग साधकों ने 1 जनवरी से लेकर आज 13 मार्च तक लगातार 71 दिन सूर्य नमस्कार महायज्ञ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिन योग साधकों ने इस अभियान में लगातार 21 दिन सूर्य नमस्कार करके अपना योगदान दिया था, उन योग साधकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य अमर सिंह, अशोक सहारन, पूजा योगी, ममता योगी, सरीना योगी, उपमंडल पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष चौहान, टीम मिशन ग्रीन के सुभाष प्रेमी, राम अवतार पारिक, स्कूल संचालक वेद प्रिय गुप्ता, प्राचार्य ऋषि कुमार शर्मा, सुनील जिंदल, जगदीश गिगोरानीवाला, संजय धानुका, संजय गर्ग, प्रदीप बंसल, सोनू मित्तल, सरोज बंसल, बिंदु धानुका, रेखा मित्तल, ननीशा कांसरिया, सरोज सोनी, रूपा देवी, सुनीता गिगोरानीवाला सहित अन्य सभी बहुत से महिला पुरुष साधक शामिल हुए। सभी साधकों ने भारत माता की जय घोष के साथ कार्यक्रम का समापन किया। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, करो योग, करो योग, हर सुबह की शुरुआत योग के साथ, हर सुबह की शुरुआत योग के साथ, मौनी टीका बंद करो, मौनी टीका बंद करो, बंद करो, हमारी योग कक्षा में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की क्लोजिंग सेरेमनी मनाई जा रही है। आज चोपटा से विनोद आर्य जी, उनके साथ हरजी राम जी, अमर सिंह जी, अशोक भाई जी और बच्चे पहुंचे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। आज हमारी योग कक्षा में क्लोजिंग सेरेमनी मनाई 75 करोड़ सूर्य नमस्कार हमने 71 दिन लगातार हमने किए हैं। सब साधकों ने 71 दिन लगातार सूर्य नमस्कार किए। आज हमारे भी सिरसा चोपटा से पहुंचे विनोद जी, इन्होंने सबको बहुत सी क्रियाएं करवाई और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें इनको बताई हैं और इनका हमें आज सब योग साधकों को सूर्य नमस्कार का सर्टिफिकेट देकर सबको सम्मानित किया गया है और सबने बहुत ही अच्छा सूर्य नमस्कार किया। जो पूरे शरीर का व्यायाम है सूर्य नमस्कार, पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है सिर्फ सूर्य नमस्कार से। और ये हरियाणा योग आयोग, पतंजलि योग समिति और अन्य संस्थाओं के तत्वाधान में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और ये इसलिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आए हुए सब अतिथियों का मैं धन्यवाद करती हूं यहां पे पहुंचे। आज के इस समापन समारोह पे सूर्य नमस्कार के जो सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं, देखो सूर्य नमस्कार आज क्लास में किया भी गया है। सूर्य नमस्कार हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, शरीर की सर्वांगीण विकास के लिए होता है। कई संस्थाओं ने मिलकर अभी 75 करोड़ का जो लक्ष्य था वो पूर्ण किया पूरे भारत के अंदर। और यहाँ एलनाबाद के अंदर बहन मंजू जी की जो योग क्लास चल रही है बड़ी अच्छी और अनुशासित है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हम बड़े उम्र के जो योग साधक हैं और साधिका है वो यहाँ पहुँच रही है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का लाभ उठा रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि जितनी मैंने हरियाणा में योग कक्षाएं देखी हैं उनमें मुझे सबसे बढ़िया योग कक्षा के रूप में ये जो है एक एलनाबाद की योग कक्षा है। और
सात साल पहले इनको मंजू जी को देख के जो विचार आया था वो फलीभूत होता देख रहा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो अभियान शुरू किया सबको स्वस्थ करने का, सबको निरोगी बनाने का, सबको उपयोगी बनाने का, उनमें बहुत बड़ी कड़ी के रूप में मंजू जी कार्य कर रही हैं। मेरी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं, और उम्मीद करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव का जो सपना है वो हम सब मिलके साथ पूरा करेंगे, और मंजू जी उनमें बहुत एक बढ़िया प्रतिनिधि के रूप में जो है उभर के आ रही हैं। तो हम सब की ओर से ऐसा लगे हम उनका इतना साथ दें कि वो जो हैं निखर जाएं और निखरती ही जाएं, मेरी ऐसी ही शुभकामनाएं हैं एलनाबाद के लोगों को भी। और होली आने वाली है, मैं सभी को अपनी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, और चाहूँगा कि सबके जीवन में रंग हमेशा भरे रहें, सब जो है हंसते रहें, खेलते रहें, योग प्राणायाम करते रहें, रब को स्वस्थ रखें, और पड़ोसी को भी स्वस्थ करने की जो है कामना रखें, वो भी बीमार ना हो, उदास ना हो, दुखी ना हो, ऐसे कार्य जो हैं हमें करना है। ओम नमस्ते।